हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन भाजा। ये एक बंगाली डिश है जिसे बैगन कतरी या फिर बैगन फ्राई के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली इस डिश की रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बैगन भाजा बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के बैगन लिए हैं। आप यहाँ पर बड़ी साइज़ का एक बैगन भी ले सकते हैं। तो पहले हम इनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो बैगन लिए हैं उसमें से आधा या फिर 1.5 सेंटीमीटर की जाड़ाई के पीसेस हमने कट कर लिए हैं। तो अब हम बैगन पर कोट करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, साथ ही में लिया है 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक। इन सारे मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। देखिए, आप यहाँ पर कसूरी मेथी की जगह हरे धनिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हरे धनिए को बारीक काट कर ऐड कर दें। तो आपने देखा कि इसका मसाला तैयार करने में हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। तो अब हमने जो बैगन की स्लाइसेस ली है उसे हम इस पर रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इस पर मसाले अप्लाई कर लेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मसाले सारे ड्राई है तो ये बैगन पर कोट कैसे होंगे, पर बैगन में हल्का सा मॉइस्चर होता है तो इसलिए सारे मसाले इस पर अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बैगन पर सारे मसाले अच्छे से अप्लाई कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो बैगन भाजा को हम सेलो फ्राई करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है और एक एक करके हम इसमें बैगन की स्लाइसेस ऐड करते जाएंगे। इनको फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्द फ्राई हो जाते हैं। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया तो ये थोड़े जल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई कर लिया है और इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। तो दोनों तरफ से 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़े गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। तो बस इतना ही हम इनको फ्राई करेंगे और तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के बैगन भाजा को भी हम मीडियम फ्लेम पर तेल में इसी तरह फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के बाद हमने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।